हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सफा मुकादम और आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज हाउ टू फाइंड आउट सम इफ्स एंड एवरेज इफ्स। सम इफ्स एंड एवरेज इफ्स बेसिकली होता क्या है, मैंने यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। सम इफ्स इज अ फंक्शन इज टू सम सेल दैट मीट मल्टीपल क्राइटेरिया। सम इफ कैन बी यूज टू सम वैल्यूज व्हेन एडजेसेंट सेल मीट्स क्राइटेरिया बेस्ड ऑन डेट नंबर्स एंड टेक्स्ट। लास्ट टॉपिक में हमने किया था हाउ टू कैलकुलेट सम इफ एंड एवरेज इफ, उसमें हम लोग क्या यूज कर रहे थे कि एक सिंगल क्राइटेरिया फाइंड आउट कर रहे थे हम लोग, कोई एक पर्टिकुलर चीज का एक क्राइटेरिया हम लोग फाइंड आउट करते हैं। बट इसमें कैसे सम इफ्स और एवरेज इफ्स में, यहाँ पे जो मेरा डेटा आपको दिया गया है, यहाँ पे आप देख रहे रहेंगे कि यहाँ पे आपको दिए गए फ्रूट्स, बहुत सारे मल्टीपल टाइप्स ऑफ फ्रूट्स है, उनकी सिटी है, मल्टीपल सिटीज है, और यहाँ पे उनके डिफरेंट डिफरेंट किलोग्राम्स दिए गए हैं। मुझे फाइंड आउट करना है इसमें कि एप्पल कश्मीर में कितने किलोग्राम्स आया है। अगर आप यहाँ पे डेटा गौर से देखोगे तो यहाँ पे एप्पल कश्मीर में भी है और यहाँ पे जो एप्पल है एक कोलकाता में भी है, ठीक है। तो मतलब ये मल्टीपल क्राइटेरियाज है, तो अगर एक से ज्यादा चीज है और मल्टीपल क्राइटेरियाज का फाइंड आउट करना है तो आप सम इफ्स IFS यूज करेंगे, अगर सिंगल क्राइटेरिया का फाइंड आउट करना है तो आप यूज करेंगे सम इफ। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे को इसमें फाइंड आउट करना है कि एप्पल कश्मीर में कितने किलोग्राम्स आए हैं, तो इसके लिए मैं सम इफ्स का फॉर्मूला यूज करूंगी। आप डायरेक्टली इसको डिफाइन करके भी कर सकते हो और डायरेक्टली आप इसको सिलेक्शन करके भी कर सकते हो। तो डिफाइन करने के लिए मैं जाऊंगी फॉर्मूलाज टैब में, डिफाइन नेम में हर चीज को डिफाइन करूंगी। सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगी यहाँ पे फ्रूट्स, रिफर्स टू को मुझे सेलेक्ट करना है और जो मेरा फ्रूट्स है वो पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक मैं सेलेक्ट करूंगी। सेम वे डिफाइन नेम, सिटी को डिफाइन करूंगी, सिटी यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करूंगी और जो मेरा सिटी का पूरा कॉलम है उसको सेलेक्ट करके ओके करना है। देन लास्ट KGM को डिफाइन करना है, KGM इसका मतलब किलोग्राम्स होता है, आई होप आप लोगों को पता ही होगा। देन इसको पूरा सेलेक्ट करके आपको ओके करना है। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला जाएगा इक्वल टू सम इफ्स IFS ब्रैकेट ओपन, क्या पूछ रहा है आपसे, सम रेंज। सम रेंज मतलब टोटल, हम टोटल किसका देख रहे हैं, किलोग्राम्स का। तो यहाँ पे मुझे लिखना है किलोग्राम्स कॉमा, आपको पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज वन। तो क्राइटेरिया रेंज वन हमारा क्या है, फ्रूट्स का है, किलोग्राम आप किसका देख रहे हैं, फ्रूट्स का। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी फ्रूट्स कॉमा फ्रूट्स में आप कौन से फ्रूट का देख रहे हो, इसका क्राइटेरिया क्या है। तो मैं यहाँ पे से एप्पल सेलेक्ट करूंगी कॉमा, नेक्स्ट ऑप्शन आपको बोल रहा है क्राइटेरिया रेंज टू, तो मेरा सेकेंड क्राइटेरिया है सिटी कॉमा, सिटी में कौन सी सिटी का आप देख रहे हो, तो ये जो कश्मीर है आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, ब्रैकेट क्लोज करोगे, एंटर करोगे, तो यहाँ पे आपको इसका किलोग्राम्स मिलेगा। आई रिपीट इट वंस अगेन, इक्वल टू सम इफ्स ब्रैकेट ओपन सम रेंज मतलब टोटल, मैं टोटल किसका निकाल रही हूँ, किलोग्राम्स का कॉमा क्राइटेरिया रेंज वन, किलोग्राम आप किसका देख रहे हो, फ्रूट्स का। तो यहाँ पे जाएगा फ्रूट्स कॉमा फ्रूट्स में कौन से फ्रूट्स का आप देख रहे हो, तो आप ये वाला जो आपका मैंगो है आप सेलेक्ट करोगे कॉमा, नेक्स्ट क्राइटेरिया है मेरा सिटी कॉमा, सिटी में कौन सा सिटी का हम देख रहे हैं, मुंबई, तो मुंबई सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो यहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा टोटल किलोग्राम। आप ड्रैग करोगे आपको बाकी सब का भी मिल जाएगा। सेम वे मुझे फाइंड आउट करना है एप्पल कश्मीर में कितने एवरेज इसका हुआ है, तो इसके लिए इक्वल टू एवरेज IFS इफ्स ब्रैकेट ओपन, इसका एवरेज रेंज क्या है किलोग्राम कॉमा, इसका फर्स्ट क्राइटेरिया रेंज है फ्रूट्स का कॉमा, फ्रूट्स में कौन से फ्रूट का देख रहे हो आप, एप्पल का कॉमा, सेकेंड क्राइटेरिया रेंज है मेरा सिटी का कॉमा, सिटी में कौन सी सिटी, तो कश्मीर, ब्रैकेट बंद एंटर, तो यहाँ पे आपको इसका किलोग्राम्स मिल जाएगा। आप ड्रैग कर लोगे तो आपको बाकी सब का भी एवरेज यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे नीचे मैंने आप लोगों के लिए एक टेक्स्ट एग्जाम्पल बनाया है, यहाँ पे है डेट, यहाँ पे उनके कलर्स, स्टेट, सिटी और यहाँ पे इसका टोटल है। आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि रेड कलर TX स्टेट में कितने टोटल और कितने एवरेज में आया है। ओके, सम इसका फॉर्मूला लगा के आपको करना है, आप ट्राई करेंगे, अगर आपको कुछ नहीं समझ रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।